पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध ताजपोशी तय हो गई है। यहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैफाली सिंह के अलावा किसी ने नामांकन नहीं कराया है। शैफाली को विजेता घोषित करने और प्रमाण पत्र की औपचारिकता शेष रह गई है। जीत तय मानकर भाजपा प्रत्याशियों ने खुशी मनाई। देखिए, आज जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन हो रहा है। डॉक्टर शेफाली हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम दोनों लोग, आदरणीय भूपेंद्र जी, हम और सारे हमारे विधायकगण सब लोग मिलकर के आज उनका नामांकन करा रहे हैं। जो लोग जिला पंचायत के सदस्य बने हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम लोग भारी मतों से यहाँ पर भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 75 की 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। अब 29 को नाम वापसी का दिन मुकर्रर है। इसी दिन 3 बजे के बाद भाजपा प्रत्याशी को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर चुनाव की स्थिति बनती तो 3 को मतदान होता। मुरादाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस बार सत्ताधारी भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भाजपा ने दूसरे दलों के जिला पंचायत सदस्यों को भी अपने पाले में कर लिया। सपा ने यहां बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम की बहन आमरीन को प्रत्याशी घोषित किया था, पर नामांकन नहीं हो सका। नामांकन के दिन दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। सपा प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक की तलाश होती रही पर प्रस्तावक पहुंच ही नहीं सके। सपाई आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इधर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैफाली ने मुहूर्त के हिसाब से जिलाधिकारी न्यायालय में 11:55 पर अपना नामांकन करवाया। 1 बजे सपा प्रत्याशी को नामांकन करवाने आना था, पर 3 बजे तक कोई भी दूसरा नामांकन हुआ ही नहीं। ऐसे में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी के नामांकन से जीत सुनिश्चित हो गई। जनता पार्टी को हमेशा अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर, अपने नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरी ताकत से भाजपा चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं की पूरी सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ती है। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा का चुनाव तो 90% जीतें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। विधान तो अधिकांश जिला पंचायतें और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। मुरादाबाद में डॉक्टर शैफाली सिंह हमारी कार्यकर्ता है, बहुत पुरानी डॉक्टर है, उसे प्रत्याशी घोषित किया और नामांकन कराएगी। और मुझे लगता है चुनाव एक तरफा है और सारे लोग हमारे समर्थन में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। बसपा ने किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया, ऐसे में वो इस चुनाव से पहले ही बाहर थी। भाजपा ने पहले से स्थितियों को भांप कर उसी तरह की रणनीति बनाई। बताते हैं कि भाजपा ने अपने 10 सदस्यों के अलावा सपा, बसपा और अन्य कुछ सदस्यों से संपर्क साध कर उन्हें अपने पाले में ले लिया। मुरादाबाद सीट पर भाजपा की जीत तय होने पर भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और खुशी मनाई। प्रदेश नेतृत्व को स्थानीय संगठन ने सूचना दी। भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि सभी की मेहनत से ये जीत सुनिश्चित हो सकी है। अब जो है सारे सदन ने मिलके एक निर्विरोध जब चुनाव होता है तो जिम्मेदारी भी दुगनी हो जाती है, क्योंकि आपको सारे 39 के 39 मेंबरों को साथ लेकर उनके वार्डों के जनता के सारे विकास कार्यों को देखना है। सबके प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बहुत खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता बहुत उत्साह में हैं, सब जश्न मना ही रहे हैं और इसके बाद यही है कि हमें कैसे न कैसे जनता की कसौटी पे खरा तो उतरना। कोई किसी को बंधक नहीं बनाता, ये लोगों का प्यार है और कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आता है और डॉक्टर कभी भी जब इलाज करता है ना तो नाड़ी देख के ये नहीं पूछता ये नाड़ी सपा की है या भाजपा की है या बसपा की है, वो बस एक नाड़ी होती है जिसका इलाज होता है। उसी प्रकार सारे मेंबरों का हमारे पास समर्थन आया ही इस बात पे कि डॉक्टर हैं, सबका एक निर्विकार रूप से न्यूट्रल हो के हमारा साथ देंगी और हमारे क्षेत्र के बारे में सुनेंगे। ये नहीं कि सिर्फ सपा का होगा या सिर्फ भाजपा का होगा या बसपा का होगा, हमारा सदन एकजुट है और मुरादाबाद का है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।